का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ना अंदाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की आंकड़े हैं वो बाकी प्लेयर से बहुत आगे हैं। तो ऋषभ पंत अच्छे लय में भी हैं और हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका खेलने का जो अंदाज़ है ना वो बहुत ही अच्छा। विश्व कप फाइनल में हम लोग स्लो विकेट में खेले, अगर हम लोग पाटा विकेट में खेलते हैं हमारे नज़र से तो मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही थी। बंगाल प्रो टी20 लीग की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी। मनोज था, ये जो लीग है एक नई जो है, आईपीएल हुआ था तब उतना प्रतिष्ठित नहीं था, उसके बाद आईपीएल इतनी बड़ी अब जगह ले ली है, अब इस वक्त है कि बंगाल में सीएबी ये लीग कर रही है, ये आप कैसे देख रहे हैं? ये दोनों आंखों से देख रहा हूँ और अच्छी तरीके से देख रहा हूँ और अच्छा है। घरेलू क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, जिनको कभी कोई कवरेज नहीं मिलता, ऑनलाइन भी नहीं दिखाया जाता, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने प्रतिभा को दर्शाएं लोगों के सामने, और ख़ासकर आईपीएल के जो टीआरडीओज होते हैं जो टैलेंट को देखते हैं उसके बाद रिकमेंड करते हैं आईपीएल टीम्स में, उन लोगों के लिए एक मौका है कि हमारे बंगाल के खिलाड़ियों को आके देखें, पढ़ें और आने वाले समय में आईपीएल के लिए खेले और देश के लिए खेले, ये उसी के लिए ये मौका किया गया है। और मेरे तरफ से सीएबी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा एक लीग शुरू होने जा रहा है जहाँ पे सौरभ गांगुली जैसे लोग, झूलन गोस्वामी जैसे लोग जुड़ित है। नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद लेने के लिए, बट हम लोग सभी हैं और इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी करना है हम लोग करेंगे। आज मनोज तिवारी मिल गए तो क्रिकेट की बात तो होगी, तो अब सिलेक्शन जो वर्ल्ड कप की हुई है, जो टीम चुनी गई है, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि तो कभी इंसान को होती नहीं है, आप जितना भी अच्छा कर लो कहीं ना कहीं 2% या 5% तो रही जाती है, खमती रही जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से दो बाएं हाथ स्पिनर है ना, आप देखें ऑलराउंडर, तो दो के जगह एक होता तो अच्छा होता, क्योंकि आप फिर रिंकू सिंह को आप ले सकते थे, और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में सिर्फ हार्दिक हैं और शिवम दुबे हैं, तो मेरे ख्याल से शिवम दुबे को अभी बॉलिंग करनी चाहिए आईपीएल के जितने भी बाकी मैचेस हैं, क्योंकि विश्व कप में बॉलिंग उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक बॉलिंग कर रहे हैं अभी, धीरे धीरे अच्छे लय में भी आ रहे हैं, वो तो पहले ऑलराउंडर हैं, लेकिन शिवम को भी आप देखेंगे स्लो विकेट्स में अच्छा बॉलिंग करते हैं, वो पूरा सीज़न रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बॉलिंग किया है। अब बॉलिंग नहीं करने के वजह से विश्व कप में अगर अचानक से बॉलिंग आ गई तो फिर रिदम में नहीं रहे, तो फिर वहाँ हो सकता है मैचेस हाथ से निकल सकता है, तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे को हल्की सी खटक रही है। बाकी टीम की बैलेंस अच्छी है, अनुभवी प्लेयर्स है, अब ये अनुभवी प्लेयर्स जो सालों साल खेल रहे हैं, अब इनके ऊपर है जिम्मेदारी लेके हमारे देश को टी20 विश्व कप लेके आए हमारे देश में। चार स्पिनर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि अब दो लेफ्ट आर्म बोले हैं, उसके साथ चहल भी जुड़ चुके हैं और एक स्पिनर है, तो चार स्पिनर की क्या मतलब ज़रूरी कितना है ये? नहीं, मैं कह रहा था कि आपके पास तीन स्पिनर हैं ना, आपके पास चहल है, कुलदीप है और रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ही क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं, आप दोनों में से एक ही तरह के स्पिनर हैं, बाएं हाथ के वो भी है, बाएं हाथ के वो भी है, दोनों बल्लेबाज भी बाएं हाथ के हैं, तगड़े फील्डर्स हैं, तो आप दोनों को नहीं ले जाके एक को अगर आप रख देते और रिंकू सिंह को आप ले लेते तो आपको एक फिनिशर मिल सकता था। अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो जिनको लिए हैं मिडल ऑर्डर्स में वो लोग आप फिनिश करेंगे मैच, लेकिन रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ना अंदाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की आंकड़े हैं वो बाकी प्लेयर से बहुत आगे हैं, तो ये अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। बाकी अब टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स जो सोचा है उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। केएल राहुल को भी ओमिट कर दिया गया है, केएल राहुल टीम में नहीं है, तो बैटिंग जो लाइनअप है वो आप कैसे देख रहे हो? केएल राहुल के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि वो लोग देख रहे थे विकेट कीपर जो मध्य क्रम में आके बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए ऋषभ पंत को जगह मिला है और केएल राहुल को नहीं। ऋषभ पंत की कमबैक के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा इंसान भी है और अभी भी अंदर से वो बच्चा ही है दिल उसका, लेकिन वो जब भी खेलता है बहुत पैशन से खेलता है, पैशनेट है, और देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम लोग सभी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह की दुर्घटना हुई थी ऐसा नहीं लग रहा था कि कमबैक कर पाएगा, लेकिन ये इंस्पिरेशन हो के आ रहे हैं सबके सामने
कि हाँ कठिन परिस्थितियों से भी आगे आ सकते हो। तो ऋषभ पंत अच्छे लय में भी हैं और हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका खेलने का जो अंदाज है ना वो बहुत ही अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप में जाता है, फाइनल में जाता है, फाइनल में जाके सेमीफाइनल में जाके हार जाता है और वहाँ एक कुछ मतलब टेंशन सी हो जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है और आपका सलाह क्या रहेगा एज अ फॉर्मर क्रिकेटर? नहीं, ये तो सच बात है कि हम लोग जीत नहीं पाए हैं अभी ICC ट्रॉफी। अब ये प्रश्न का उत्तर मैं फाइनल के बाद ही दूंगा, जब जब टीम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन मुझे पता है कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत मेरी जो अनुभव है खेल का ना, तो कप्तानी का भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो ठीक हो जाए। रणनीति कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाने के कारण से भी होता है। जैसे विश्व कप फाइनल में हम लोग स्लो विकेट में खेले, अगर हम लोग पाटा विकेट में खेलते हैं हमारे नज़र से तो मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही थी। स्लो विकेट में वो प्लान हमें ही बैकफायर कर गया जैसा मुझे लगा, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से विकेट्स को यूज़ करें, उसके बाद थोड़ा लक भी हमारे साथ नहीं रहा। बट टीम अच्छा करेगी आशा करते हैं, और जितने भी अनुभवी खिलाड़ी हैं वो लोग अपने जिम्मेदारी लें और टीम को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे मनोज तिवारी, जो कि कॉन्फिडेंट है कि भारत जो T20 वर्ल्ड कप है उनमें अच्छा करेगी, लेकिन रिंकू सिंह जो है उसकी जो ओमिशन है उसके बारे में वो कह के गए। कैमरा में श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, आज तक कोलकाता।